हमारे बीच में अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी भी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि डॉक्टर जी विवेकानंद जी का पार्टी में स्वागत करें और अपना दो शब्द इस पर बोले। या डॉक्टर जी विवेकानंद जी, फार्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तेलंगाना, पेद्दपल्ली रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता था। उनका पिताजी कांग्रेस में यूनियन मिनिस्टर के नाते बहुत साल काम किया है, वेंकट स्वामी जी, CWC का मेंबर भी थे। विवेकानंद जी तेलंगाना के आंदोलन में तेलंगाना के लिए कांग्रेस से रिजाइन करके TRS में शामिल होकर आंदोलन में भागीदार हुआ। पूरा तन मन के साथ पूरा परिवार ने काम किया है। अभी वर्तमान में जो तेलंगाना आने के बाद TRS का सरकार का काम, पार्टी का काम देखने के बाद ये फेडअप हो गया। TRS पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम से ना सरकार चला रहे ना पार्टी चला रहे। TRS पार्टी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जैसा काम कर रहे, इसके लिए मैं इस पार्टी में काम नहीं कर सकता हूं। जो तेलंगाना गवर्नमेंट का एडवाइजर के नाते कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक देने के बाद भी वो रिजाइन करके TRS को रिजाइन किया, साथ साथ एडवाइजरी पोस्ट को रिजाइन किया है, रिजाइन करके पार्टी में आ रहे। जो तेलंगाना में जो आकांक्ष से लोग बलिदान हुआ है, लगभग 1500 लोग बलिदान होके तेलंगाना पाया, मगर आज KCR सिर्फ मेरे कारण तेलंगाना आया, मैं अकेला के कारण तेलंगाना आया, मेरा परिवार के कारण तेलंगाना आए, ऐसे आज वो बहाने के नाते तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से काम कर रहे। 6 साल हो गया, सेक्रेटरीट को नहीं आते, उन्होंने घर में रह के काम चलाते हैं, फार्म हाउस को जाते हैं, ना कोई MLA से मिलते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, ट्रेड यूनियन से मिलते हैं, महिला ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, किससे भी मिलते भी नहीं। निर्णय पूरा परिवार डाइनिंग टेबल में लेते हैं, सेक्रेटरीट में निर्णय नहीं होता, पार्टी कार्यालय में निर्णय नहीं होता, निर्णय पूरा तेलंगाना का जनता का, तेलंगाना सरकार का, TRS पार्टी का निर्णय KCR के घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर निर्णय होता है। इसलिए आज तेलंगाना जनता ऑल्टरनेटिव देख रहे, आज आप लोगों को मालूम है आज तेलंगाना में हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग देख रहे, भारतीय जनता पार्टी के ओर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओर, आदरणीय अमित शाह जी के ओर, नड्डा जी के ओर लोग देख रहे। आज बहुत लोग गांव में रहने वाले नौजवान भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में तेलंगाना में एक शक्तिशाली पार्टी बन के उभर के आना चाहिए, ऐसा सब लोगों का मानना है। जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, जो नौजवान है, एम्प्लॉयज़ है, IAS है, IPS है, जो भी जिससे भी बात करो, तेलंगाना आने वाले दिन में BJP का शक्तिशाली पार्टी बनना चाहिए, ऐसा उनका उम्मीद है। उसी संदर्भ में आज विवेकानंद जी ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, जो तेलंगाना का जो क्रिकेट है उसको हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन बोलते हैं, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के भी बहुत सालों से अध्यक्ष रहे, खुद भी क्रिकेटर है, और आपका फ्रेंड है, मीडिया हाउस का भी हेड करते हैं, ओनर है वो, प्रिंट मीडिया और चैनल का मीडिया भी हेड करते हैं। वैसे विवेकानंद जी BJP में शामिल होने से बहुत बड़ा शक्ति भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से विवेकानंद जी को पूरा दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी किशन रेड्डी जी।